दोस्तों एक दिन एक शिप निकलती है रशिया से और उसमें होता है अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक अफ्रीका बेस्ड कंपनी ने मंगवाया था। अमोनियम नाइट्रेट मोस्टली एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स में यूज होता आया है लेकिन ये बम बनाने में भी यूज होता है। अब शिप जैसे ही मेडिटेरियन सी पहुंचती है तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेबनन में रुक जाती है, लेकिन लेबनन में उसको लग जाती है कुछ ज्यादा ही महीने। और लेबनन पोर्ट अथॉरिटी कुछ पैसे कमाने के चक्कर में इंस्पेक्शन के टाइम कुछ फॉल्ट बता देते हैं और शिप को जाने से रोक देते हैं, लेकिन इसी बीच शिप कंपनी हो जाती है बैंकक्रप्ट। अब जब लेबनन पोर्ट अथॉरिटी फीस मांगती है तो कंपनी का कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता। अब फीस ना देने की वजह से लेबनन अथॉरिटी शिप को बाउंड कर लेती है। अब कई साल बीत जाते हैं, कंपनी कुछ ध्यान नहीं देती और शिप भी सिंक होने लगती है। तो लेबनन अथॉरिटी उस अमोनियम नाइट्रेट को वेयरहाउस में रखवा लेती है। अब पोर्ट वाले लेबनन कोर्ट में रिक्वेस्ट करते हैं कि इस शिपमेंट का कुछ तो करो, या तो एक्सपोर्ट करो या फिर लेबनन आर्मी को दे दो, लेकिन कोर्ट कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब एक दिन उसी वेयरहाउस के पास एक छोटी सी आग लग जाती है और वही आग उस वेयरहाउस तक पहुंच जाती है जहां शिपमेंट रखा था, और इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि 200 से ज्यादा लोग मर जाते हैं और ये आज तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन माना गया है, जिसका धमाका 240 किलोमीटर तक